जी अस्सलाम वालेकुम, तो एवरीवन वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अभी जी हम सवाद बाजार है, वहाँ पे खड़े हैं, तो इंशाल्लाह सारी कुछ चीजें लेंगे यहाँ से, तो यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी लेंगे। इसका क्या नाम है? गगो। क्या नाम है? गगो। गद जलेबी और वो एक अपने तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। कोई नमकीन चीज भी लेनी है ना? इसका क्या रेट? यहाँ की वो ट्रेडिशनल चीजें थी, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पे विदाउट चीनी की चीज बनाई। यहाँ पे रस को शीरे में डिबो के तो वो रखा हुआ था, मैंने सोचा पता नहीं ये क्या चीज है, पता करते हैं। तमाम कुछ अफतारी का हमने पैक करवा लिया है, सदाम भाई ने घर से बनवाया था, तो किसी अच्छी प्लेस पे जाके इंशाल्लाह हम अफतारी करेंगे। अफतारी में तकरीबन 40-45 मिनट बाकी है। चपली कबाब लेने ना मियां साहब, माशाल्लाह यहाँ की बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें, चपली कबाब, सब्जी बहुत कुछ है। और यही चल रहा था मेन बाजार, तो अफतारी का टाइम करीब है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रश है। तो हमने चपली कबाब लेने, सदाम भाई बता रहे हैं कि बहुत अच्छी दुकान है, वहाँ से चपली कबाब लेंगे। बाकी सामान ऑलरेडी हमने रखा हुआ गाड़ी में, खा के निकलेंगे ताकि अफतार से पहले पहले हम वहाँ पहुँचे, अच्छी प्लेस पे अफतारी का। कहाँ से लेंगे चपली कबाब भाई? यह जी सबसे यहाँ के जो मशहूर हैं, तो यहाँ से लेंगे कबाब। रश भी काफ़ी है, देखते हैं कि हमें जल्दी मिलते हैं कि नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें जल्दी दे दिया, उनकी मेहरबानी। अभी निकलेंगे जल्दी जल्दी से, चले चले। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हम एक जगह पे रुके हैं, तो माशाल्लाह अभी कुछ ही देर बाकी है अफतारी से। अभी हमने तमाम सामान वहाँ पे दस्तरखान लगाना है, तो उतनी देर में अफतारी हो जानी है, तो इंशाल्लाह हम इस बहते पानी के करीब बैठ के अफतारी करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमारे टाउन में, हमारे गुजरांवाला में 6:20-22:25 पे रोजा अफतार होता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम में फर्क है। 6:41 मिनट अफतारी होगी, अभी 2-4 मिनट बाकी है। चले चले, जरकावा जरकावा आ जाए, आप करें हमारे साथ अफतारी। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ की ये ट्रेडिशनल रोटी है, जबरदस्त हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोजा अफ्तार हो चुका है। आज की अफतारी सवाद की जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं, जो यहाँ के लोग करते हैं वो ही है, क्योंकि सदाम भाई ने घर से बनवाई है अफतारी। ये यहाँ के ट्रेडिशनल पकौड़े हैं भाई जान, होममेड। सबसे कमाल चीज भाई जान, और देखो क्या है, रोटी है इसमें। ये जो है, जब हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हुए तो वहाँ पे नीचे ये भी लिखा था लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कोई शक नहीं है इसमें। यहाँ पे चिकन है, ये तरह जो ना होता है वो अच्छा है, कोफ्ता। ये क्या चीज है, ये उठाइएगा जरा। मटन है जी, ये मैं बहा दिया पटन साहब, मटन है। ये अचार, अभी तेल खादा पानी साथ आ गया। ये पड़ो, ये आप बेटा पड़ो, ये रोटी दो भाई। हां रोटी दो उसको, दो रोटी दो उसको। माशाल्लाह रोटी जबरदस्त रोटी है। सदाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो बाकी इंशाल्लाह अफतारी के बाद आपसे मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अफतारी कर ली गई है। बहुत ज्यादा मजा है अफतारी करने का, क्योंकि सवाद की जो ट्रेडिशनल डिशेस थी वो बनाई हुई थी सदाम भाई ने। सदाम भाई बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का। माशाल्लाह हमारा पुराना दोस्त है, साथी है, हमारा भाई है, पहले भी हमारे दिल जीत लिए थे, आज तो इसने कमाल कर दिया। और जुबैर साहब, शेख साहब और आप, ये हाफ साहब माशाल्लाह बहुत खुश हुए हैं। अल्लाह ताला सदाम भाई को जगा दे, अल्लाह ताला इनके रिज़्क में, इज्जत में, जान में, माल में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। तो माशाल्लाह ये कबाब हुआ जो हमने वो बाजार से लिए थे, चकदरा का जो मेन बाजार था, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा टेस्ट था। तो अभी हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे, सारी हमने खूब की है, तो हमें बहुत ज्यादा नींद आनी है, क्योंकि रात के भी नहीं सोए, तो अभी नींद टका के आएगी। आज की इफ्तारी हमने सवाद दरिया के किनारे कर लिया। आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, हम मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाकर। हाफिज मियां साहब, हाफिज, लव यू। ओके, थैंक यू।